क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी पर्यटन जोन रात्रि विश्राम के साथ ही डे सफारी के लिए फुल हो चुके हैं। कॉर्बेट के आसपास के रिजॉर्ट भी 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक लगभग 70% पैक हो चुके हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में शुमार है। शायद यही कारण है कि क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए सैलानी प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को चुन रहे हैं, जिससे कॉर्बेट पार्क के सभी जोन रात्रि और डे सफारी को लेकर पैक हो चुके हैं। इसके अलावा कॉर्बेट पार्क से लगते लैंडस्केप में तकरीबन 350 से ज्यादा रिजॉर्ट भी 70% तक फुल हो चुके हैं। कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों ने बताया कि वे लंबे समय से यहां आ रहे हैं और यहां की जैव विविधता, जंगलों के बीच बने इन रिजॉर्ट में न्यू ईयर मना रहे हैं, जो कि अपने आप में रोमांचित है। में हम जिम कॉर्बेट न्यू ईयर स्पेशली न्यू ईयर के लिए आए हैं, तो थर्ड टाइम में हम लास्ट ईयर भी आए थे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ जी, ये प्रोडक्ट ओवर है एंड वी आर टुगेदर अ ग्रुप ऑफ 54 to 56 पीपल इन ऑल एंड वी आर रियली एंजॉयिंग अ लॉट ओवर हियर। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, शायद ये पीक पॉइंट है, जिस टाइम पीक टाइम पे लोग आते हैं यहाँ पे विजिट के लिए एंड बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, द वेदर इज फैबुलस। माय नेम इज डॉक्टर सुदेश बड़ान। बैनियन रिट्रीट रिजॉर्ट की मैनेजर मोनिका कंबोज ने बताया कि हमारे रिजॉर्ट क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 70% तक हमारे रिजॉर्ट्स पैक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि काफी पर्यटकों के हमारे पास कई आकर्षक पैकेज हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है, मैं बैनियन रिट्रीट में रिजॉर्ट मैनेजर हूँ। देखिए, हमारी तैयारी पूरी चल रही है न्यू ईयर और क्रिसमस को लेके। क्रिसमस का तो हमारा ऑलमोस्ट सोल्ड आउट ही है, हमारा 80-90% हमारे रूम लग चुके हैं यहाँ पर, और न्यू ईयर की भी काफ़ी अच्छी बुकिंग आ रही है। जो पर्यटक है काफ़ी वो अपना यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी बुकिंग के लिए कॉल्स भी आ रही हैं और 70% तक हमारा होटल लग चुका है। हम लोग ने एक अच्छा पैकेज भी बना रखा है, जिसमें हम लोग बोनफायर दे रहे हैं, कुछ हमारे पास एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे जिप लाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम लोग पैकेज में इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिमान सिंह ने बताया कि इस बार कॉर्बेट के सभी पर्यटन व्यापारी में खुशी की लहर है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर होटल कारोबारी अपने होटलों को सजाने में जुटे हैं। 25 से 31 दिसंबर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर लगभग सभी रिजॉर्ट में 70% बुकिंग आ चुकी है। कहीं ना कहीं कुछ बुकिंग कोरोना की वजह से ऊपर नीचे हुई है। देखिए, अभी तक के हिसाब से तो बुकिंग ठीक चल रही है, बट थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से, जो नया वायरस है उसकी वजह से थोड़ी सी बुकिंग में ऊपर नीचे हुआ है। बट उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सरकार और सब लोगों की पॉलिसी है, हम लोग अपना पर्यटन सीजन अच्छी तरह करेंगे और सारे होटल और रिजॉर्ट पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि कॉर्बेट पार्क में नाइट स्टे के लिए सभी कक्ष यानी रूम ऑनलाइन बुक हो चुके हैं। साथ ही लगभग सभी जोन डे सफारी के लिए भी फुल हो चुके हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये भी ध्यान में रखा है कि पर्यटकों की आड़ में कोई पार्क के अंदर घुसकर अवैध काम को लेकर अंजाम ना दे सके, इसलिए हमारी टीम की ओर से अलग अलग माध्यमों से गश्त की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क से लगता 500 मीटर का क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित है, तो ऐसे में रात्रि में 40 डेसिबल से ज़्यादा और दिन में 50 डेसिबल से ज़्यादा साउंड करेंगे तो उनके खिलाफ जुर्माने के साथ ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, क्रिसमस और 31st को लेके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं, तो टाइगर रिजर्व में इन पर्यटकों की आड़ में कोई अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इंसान आए तो उसके लिए भी हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। इसके लिए संयुक्त गश्त की जा रही है लगते हुए डिवीजन से, और जो हमारी दक्षिणी सीमा है अत्यंत संवेदनशील है, इसमें विशेष रूप से गश्त की जा रही है। जहाँ फूड पेट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, वहाँ ड्रोन से और हाथियों की मदद ली जा रही है पेट्रोलिंग करने के लिए। साथ ही साथ चूँकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 500 मीटर का क्षेत्र शांत क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित है, इस साइलेंट जोन के उल्लंघन पर जो नॉइज रूल्स हैं उसके तहत वन क्षेत्र अधिकारियों को और सभी रिजॉर्ट स्वामियों को अवगत कराया गया है, जुर्माने का प्रावधान है। शांत क्षेत्र में रात्रि में 40 डेसिबल और दिन के समय पर 50 डेसिबल जो है ये साउंड रखनी होती है, तो इसका जो भी उल्लंघन किया जाएगा उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी हमारे द्वारा।